ये सरकार डरती है, ये सरकार जोर जबरदस्ती चल रही है हमारे देश में। जब तक किसी सरकार को लोक समर्थन हासिल नहीं हो तो वो कदापि गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। आज छात्रों को धारा 144 लगा के इन्होंने डराने का काम किया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ जो हम लोग आपके लाठी से डरने वाले नहीं है, हम आपके सत्ता को हिला देंगे अगर रोजगार आप नहीं दिए तो। और नियम पे नियम निकलता है, 2-3 साल पहले नोटिस निकाला था रेलवे कि हम ग्रुप डी में ना ITI इंक्लूड करेंगे, और अभी देखिए 2-4 दिन पहले बोल रहा है कि हम ITI ये हटा देंगे ग्रुप डी से। तो ये नौटंकी एकदम लड़का को तुमने बर्बाद ही कर दिया। ये सरकार लड़का को तो कोई भी स्टूडेंट को समझिए बर्बाद ही यहाँ पे है, कोई उपाय नहीं है लड़का के लिए, तो कोई उपाय नहीं। पूंजीपति के लिए सरकार है, जो साफ है जो साफ है, पूंजीपति का सरकार है ये। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। रेलवे सरकारी नौकरियों को देने की सबसे बड़ी संस्था इस देश में मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो रेलवे के अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग पोजीशंस की तैयारी ज़रूर करते हैं, लेकिन रेलवे को पूरा प्राइवेट करने का दौर चल रहा है। लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। प्राइवेटाइजेशन करने के अलग अलग चरण होते हैं, स्टेज होते हैं, जिसमें पहला चरण ये होता है कि आप सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दें, बर्बाद कर दें। और कुछ ऐसा ही रेलवे के साथ हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस को जगह दे दी जाती है, लाइन क्लियर रखा जाता है, लेकिन वही जन शताब्दी और बाकी जो दूसरी ट्रेन जिसमें आम यात्री सफ़र करते हैं, आम नागरिक मैंगो पीपल सफ़र करते हैं, उन्हें लेट किया जाता है। 20 घंटा लेट हो जाती है ट्रेन, फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज हम बात रेल के बदहाल स्थिति की नहीं बल्कि रेलवे की नौकरियों की करने आए हैं। 6 साल बाद रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की नौकरियां निकाली। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि नौकरी 6 साल के बाद आ रही है तो बड़ी संख्या में पद निकलेंगे, लेकिन जब बच्चों ने नोटिफिकेशन पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि जो NDA सरकार का वादा था हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का, वो उसमें पूरे तरीके से छला गया है उन्हें, और उनके साथ एक मजाक हुआ है। रेलवे इतनी बड़ी संस्था जो लाखों की भर्तियां निकालती थी, उसने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कितनी निकाली है? 5,996। बिल्कुल 6,000 भी ये पद नहीं है, 6,000 से भी कम पद निकाले गए हैं। अब जब अभ्यर्थियों ने इस नोटिफिकेशन को देखा, जो सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे और उम्मीद में थे कि जब ALP की नौकरियां भर्तियां निकलेंगी तो वो जाकर उसमें अप्लाई करेंगे और सरकारी नौकरी में जाएंगे, उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट निकलता है, अनऑर्गेनाइज्ड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका संबंध नहीं है, वो प्रोटेस्ट निकलता है पटना के मुसल्लपुर हाट से, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का अड्डा माना जाता है, हब माना जाता है। वहाँ से प्रोटेस्ट निकलता है और गांधी मैदान तक जाता है। बीच में रमना रोड, खजांची रोड, जो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है, वहाँ से और छात्र जो सरकारी नौकरियाँ की तैयारी कर रहे थे वो उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, छात्रों का ये मार्च, शांतिपूर्ण मार्च, जब गांधी मैदान पहुँचता है तो वहाँ पर पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, और इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया जाता है मानो वो छात्र नहीं, देश के भविष्य नहीं, युवा शक्ति नहीं, बल्कि कोई दंगाई या आतंकवादी है। और ऐसा कहना खुद छात्रों का है। जब हमने छात्रों से बातचीत की तो वो अपने मुंह को ढक कर हमसे बातचीत करने आए थे, क्योंकि उनका कहना था, उन्हें इस बात का डर था कि जिस तरीके से सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उन्हें डर है कि लॉज में घुस के पुलिस उन्हें उठाकर भी ले जा सकती है, तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकते हैं। हमने भी ये दायित्व निभाया है और उनकी पहचान इस वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन उनके दर्द को हमने दिखाया है और ये बयां किया है कि किस तरीके से
जो सरकारी नौकरियां की उम्मीद में आप लोग बैठे हैं, लगे हुए हैं, आपको अब अपने आसपास आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि केंद्र शासित एनडीए की सरकार, जो कि ये दावा कर रही थी कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार राज्य में भी अभी हाल में फिर से बन गई है और केंद्र में लगातार बनी हुई है 2014 से, और उसके बाद भी नौकरियों का इतना बुरा हाल क्यों है? आप देखिए प्रवीण की ये ग्राउंड रिपोर्ट। परसों रेलवे के लिए जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें हम भी शामिल थे, उसी में टारगेट करके प्रशासन द्वारा मारा गया है हम लोगों को। क्या पूरा प्रशासन के द्वारा आप लोगों पे कार्रवाई कैसे क्या हुआ था? प्रशासन द्वारा देखिए सर, बहुत सारे प्रशासन बहुत अच्छा से हम लोगों के साथ भी है, भी आ रहे हैं, समझा रहे थे कि देखो बेटा, देखो भाई, इस तरीके से हम भी तुम्हारी जगह से गुजरे हैं। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। यहाँ से दिखना पहाड़ी से हम शामिल हुए। हालांकि पहले क्या था आंदोलन, क्या था प्रोटेस्ट, इसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब ये 2 बजे लगभग ये भिखना पहाड़ी से गुजर रही थी तो वहाँ पे हम शामिल हो गए। वहाँ पे जब हम शामिल हुए, वहाँ से शामिल होते हुए हम लोग गए थे गांधी मैदान। मामला समझ गए कि एलपी में हम लोगों का मांग है कि वैकेंसी इंक्रीज करना। ये 5600 जो वैकेंसी दिया है 6 साल में, बताइए करोड़ों की संख्या में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उसके बाद भी बताइए ये 5600 वैकेंसी निकालिएगा तो कैसे होगा स्टूडेंट को? हम लोग सब कुछ छोड़ के अपना यहाँ पे आते हैं, पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बाद भी बताइए ये टाइम से वैकेंसी नहीं निकालना। सब कुछ ये कुछ भी होता है, चुनाव टाइम से होना और बाकी कोई तक समय होता सब टाइम से होता है, जो अनलीगल काम होता है वो भी टाइम से हो जाता है। लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग का तो हक तो है ना, हम लोग सरकार को वोट देते हैं, हम लोग हक है, हम मांगेंगे अपने अधिकार तो मांगेंगे ना। रेलवे के जहाँ तक रवैया देख रहे हैं, ये अभी बोल रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, यही काम अब 2 साल पहले बोल रहे थे कि हर साल वैकेंसी देंगे, ये तो अब ये हुआ 6 साल से हम लोग इंतजार कर दिया। हम 2016 से पटना में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक बार गलती से रेलवे में वैकेंसी निकला, मेरा नहीं हुआ, अब उसके बाद तो उम्र ख़त्म हो जा रहा है। अब देख लीजिए 29 बरस हो गया, ये 6 बरस घटा के दे दिया, सब खत्म हो गया। तो हम लोग को ये मांगा है कि रेलवे वैकेंसी जो है इसको इंक्रीज करे, और इंक्रीज करे तो फिर इतना में कंपटीशन भी कम होगा और हम लोग आसानी से हो भी जाएगा। इस तरह से रेलवे के अभ्यर्थियों ने अपने वैकेंसीज को लेकर के, जो मोदी सरकार का वैकेंसी आया है रेलवे में जो बहुत ही कम है, 2018 में गवर्नमेंट की वैकेंसी आई थी तो लगभग 65,000-68,000 के करीब था, और 18 के बाद 5 साल के बाद 6 साल के बाद जब रेलवे में वैकेंसी आती है तो वो करीब 5600 के करीब आती है। और अपने सवालों को लेकर के जो एक जायज़ मांग था उसको लेकर के छात्र पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पुलिस बल के द्वारा लाठियां भाजा गया, उनका सर फूटा, उनको चोट लगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन आपने जो हमारी रोजगार थी उसको भी ख़त्म करने का काम किया। रेलवे जॉब का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो जॉब क्रिएट करता है, और हमारी सरकार एक करके रेलवे संस्थानों को बेची जा रही है, और जो बहाली की सीटें थी उसमें दिन प्रतिदिन कटौती जा रही है। क्या रोजगार मांगना इस देश में गुनाह है? देखिए, अगर पिछला बार भी नोटिस निकला था कि अगस्त में एग्जाम लेंगे, अगस्त करके तो 5 साल लगा दिया। और सबसे देखिए झूठ बात, देखिए रेलवे मंत्री जी बार बार क्या कहते हैं, अभी 4 दिन पहले हम क्या ये नई पेंटर भी देख रहे थे, बोल रहे थे कि अभी हम 1.5 लाख अभी भर्ती करवाए हैं उनको। देखिए सबको पता है वो भर्ती 2019 का है, आप अभी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आप उस, देखिए जब 2019 में 1.5 लाख वैकेंसी आया, 2019 को चुनाव उसी से जीत गए, और जो अभी जो ज्वाइनिंग करवाए हैं यही चुनाव वही से जीतना चाह रहे हैं। हम बहुत घर से उम्मीद में आए थे कि जा रहे हैं पटना, हम वहाँ जा कर के नौकरी लेंगे, लेकिन यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पूरे पटना में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरे पटना के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, तमाम शिक्षण संस्थानों को सरकार के द्वारा प्रशासन पर दबाव बना करके धारा 144 लगा करके पूरे शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है। एनडीए सरकार को 2019 में पूरा का पूरा 39 सीट मिला है। 39 सीट का आशा ये है कि 5600 वैकेंसी देंगे, तो बिहार के साथ पूरा का पूरा मोदी सरकार बिहार के नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। हम लोग उसके खिलाफ में हैं। और अब बताइए, छात्र नौजवानों को जो अपना हक मांग रहा है वो पुलिस उस पर लाठी बरसा रही है, उसके बाद दोबारा ये प्रोटेस्ट ना करे। अब हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र रहा नहीं। अब लोकतंत्र अगर रहता तो नौजवान जो रोजगार मांग रहे हैं उसका सम्मान होता, और सम्मान से उनकी बात सुनी जाती और वैकेंसी निकाला जाता। लेकिन ये फांसीवादी सरकार ये पूरा का पूरा निजीकरण कॉरपोरेट हाउस में बेच रही है रेलवे को, उसके बाद और हम लोगों पे पूरा छात्रों का जो इलाका है, पटना विश्वविद्यालय का असोर, राजपथ हो, मुसलमपुर हाट हो,
या भिकना पहाड़ी हो, सब जगह 144 धारा लगा के पूरा का पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया है। कोई बच्चा 5 लड़के के साथ भी निकल नहीं सकता, ऐसा स्थिति यहाँ है। आप लोग क्यों मास्क लगाए? नहीं, मास्क भी लगाएंगे, मास्क डर का देखिए माहौल अभी है। अभी देख रहे हैं सरकार को तनाशाही जैसा, जिसको मन उसको उठा के लेके चल जा रहा है। कोई भी लड़का ट्यूशन पढ़ने में जा रहा है, चाहे 4 ग्रुपों में जा रहा है, कहीं ना कहीं उठा के लेके चल जा रहा है। अब बताइए कि हम लोग यहाँ घर से पैसा, मेरा तो घर से पैसा भी नहीं आता। हम खुद यहाँ जा कर के आज 4 घंटा नौकरी करते हैं, हमको जब 4 घंटा में 3000 रुपया मिलता है, उससे हम पढ़ाई करते हैं, तो बताइए कैसे हो पाएगा? 3000 रुपये अगर हमको पुलिस पकड़ ले जाएगा तो हम, मेरे पास तो घर में इतना पैसा भी नहीं है कि लोग हमको आगे छुड़ा के लेके जाए। कोर्ट कचहरी करते करते लोग परेशान हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि घर वाले को परेशानी में डाले, और इसलिए हम लोग मास्क उसको लगाए हैं कि कोई दिक्कत ना हो। मांग तो यही है कि आपको जो ये ALP में 6 साल के बाद जो वैकेंसी निकाले हैं मात्र 5600 के लिए, कम से कम ये 5600 के जगह ये 56000 आपको देनी चाहिए। तो ये 5600 से कैसे काम चलेगा? आप पहले बता देते ना, आप एक रेलवे एक वो अपना सफाया जारी किया है कि हमसे गलती हो गया, उस समय बताना चाहिए कि आपको ये 6 साल के लिए हम वैकेंसी निकाले, डायरेक्ट 2024 में देंगे। तो भाई आप गलती करके आप गलती मान लिए, ये कोई मतलब थोड़ी है ना। आप गलती थोड़ा सा मान लिए, लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को जानते हैं कि नहीं ये नहीं है वैकेंसी, नहीं पढ़ते, कोई दूसरा काम करते, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बिहार फिर से आंदोलन होगा बिहार में, और पटना भिकना पहाड़ी अशोक राजपथ पटना विश्वविद्यालय ये आंदोलन का मुख्य केंद्र फिर से रहेगा। जितना भी आप 44 लगा दीजिए, लेकिन जब तक रोजगार की गारंटी नहीं कीजिएगा तो मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। आपने देखा कि किस तरीके से छात्र डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उसके बाद वो मीडिया के सामने जब आते हैं डरे सहमे अपना दर्द बयां करते हैं। यकीनन जब 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे तो उनके लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, ना ही दर्शकों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि उस वक्त UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, NRC, राम मंदिर जैसे मुद्दे रोजगार के मुद्दों पर हावी हो जाएंगे, और फिर एक ख़ास आइडियोलॉजी, एक ख़ास विचारधारा को आप अपना वोट दे बैठेंगे, और उसके बाद आपके जो घर के बच्चे हैं वो इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि बड़े अफसर, अधिकारी और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सड़क पर मौजूद नहीं हैं, और उनमें से कई बच्चे बड़े पदाधिकारी भी बना दिए जाते हैं, खेल जगत में उनका बड़ा नाम हो जाता है, भले ही उन्हें खेल की कोई भी समझ ना हो, लेकिन आम नागरिक, आम बच्चे वो सड़क पर पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, और यही आज के हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की और खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके इलाके की हैं, उसे देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए गए हैं, आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।